हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वार्ड्रोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बना रही हूं, तो आप देख सकते हैं ये जो वार्ड्रोब है ये मेरी बेटी का वार्ड्रोब है। इसके कपड़े काफ़ी फैल गए हैं, सब इधर उधर हो गए हैं। डेली एक्चुअली क्या होता है, लावी खुद ही निकालती है और खुद रखती है, तो सब मिसमैनेज हो गया। काफ़ी दिन से ये काम पेंडिंग था, तो मैंने अब सोचा है कि बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गया है, जिससे कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल हो रही है, तो अब इसको क्लीन करने का टाइम आ गया है। तो मैं थोड़ा रीअरेंज करने वाली हूँ। जो नीचे मैंने पहले पार्टी वियर ड्रेसेस आपको दिख रहे हैं, जो सबसे लास्ट जो शेल्फ है वहाँ पे रखा है, वो उसको मैं सब ऊपर करने वाली हूँ, और जो ऊपर जो विंटर वेयर है वो नीचे करने वाली हूँ, क्योंकि यूजुअली पार्टी वियर ड्रेसेस काफ़ी कम यूज़ होती हैं, और जब भी यूज़ होती हैं तो उसके लिए मैं हेल्प करती हूँ लावी को चूज़ करने में कि क्या पहनाना है, तो हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो मैं होती हूँ, तो उसको ऊपर से निकालने में दिक्कत नहीं होगी, तो उसको मैं ऊपर रख दूंगी और सारे विंटर वेयर मैं नीचे रख दूंगी, और जो बीच का पार्ट है उसमें उसके डेली वेयर ड्रेसेस रहेंगे। तो सबसे पहले इसलिए मैंने पूरा पहले तो खंड खाली करना शुरू किया है, पूरे शेल्फ में खाली करूंगी। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये फोल्डिंग वाले बॉक्स हैं, और इसी का मैं यूज करने वाली हूँ, और उसमें मैं अलग अलग करके सब इसके ड्रेसेस रखूंगी। तो पहले मैंने सारे निकाल लिए। ये जो ऑर्गेनाइजिंग का जो काम है, जो लावी का वार्डरोब का, जब भी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ तो इसमें लावी मेरी पूरी हेल्प करती है, ताकि उसको भी पता रहे कि क्या सामान को कहाँ पे रखना है और कैसे निकालना है। इससे हमेशा मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बच्चों में भी ये आदत आती कि भाई अपने काम खुद करें, तो मैं हमेशा ही उसकी हेल्प लेती हूँ। तो अभी भी मैं सारे पहले सामान निकालूंगी, सारे कपड़े निकाल लूंगी और फोल्ड कर करके देती जाऊंगी, लावी उसको जमाती जाएगी, और उसके बाद वापस मैं उसके वार्डरोब में जमा दूंगी। तो ये वीडियो आप पूरा शुरू से एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको हमारा रिजल्ट दिखे कि हमारा किस तरीके से वार्डरोब जम के रेडी हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि जो मैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने जिप लॉक बैग्स भी यूज़ किए हैं, जो साड़ी कवर के बॉक्सेस, सॉरी साड़ी कवर के जो जिप लॉक पाउचेस आते हैं, वो सब भी मैंने यूज़ किया हुआ है पहले से। तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ये भी मैंने अमेजोन से ख़रीदा था। उन सब की आपको, सब चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो की भी लिंक मैं डाल दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी देखें। और जो जिस बॉक्स की मैं बात कर रही थी, ये है जो फोल्डेबल है, आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं अगर यूज ना हो तो, और यूज करना हो तो ये इस तरीके से आप इसको इस पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के लिए या टॉयज रखने के लिए, बच्चों के बहुत छोटे छोटे सामान रखने के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो ऐसा मैंने 6 का पीस मंगाया है 999 रुपीज़ में, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है और ऑर्गेनाइज होने पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इनके साथ मैं जिप पाउचेज और कुछ जो पार्टी वियर ड्रेसेस के साथ जो कार्टन्स आते हैं, जो बॉक्सेस में जो पार्टी वियर ड्रेस आते हैं, उनको भी मैं यूज़ करने वाली, वो भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको एज इट इज़ उसी पे रखी रहती हूँ। यूज करो, उसके बाद वॉश करके वापस उसी पे रख दो। तो आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा वाला जो है साड़ी कवर का, जिसमें 4 to 5 साड़ी आती है, उसमें मैंने भी पार्टी वियर ड्रेसेस ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो पार्टी वियर ड्रेसेस जो कुछ बाहर हैं उसको मैं वापस फोल्ड करके उसमें रख दूंगी, और वो बॉक्सेस को अलग करके फिर जो डेली वियर जो यूज़ के जो सारे ड्रेसेस हैं, वो मैंने और लावी ने सब अरेंज करना शुरू कर दिया। लावी सारे बॉक्सेस निकाल के उसको बॉक्स बना रही है, फोल्डिंग हटा के, और मैं सारे उसके ड्रेसेस वापस फोल्ड करके रखना शुरू कर रही हूँ। तो आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए और इन्जॉय करिए। Thank you.
ये हमने अलग अलग कर लिए अपने, ये फ्रॉक है सॉरी ये टॉप है, ये फ्रॉक का है बॉक्स, ये भी फ्रॉक का बॉक्स है, ये बॉटम वियर है जैसे जीन्स हो गई, लेगिंग हो गई, स्टॉकिंग्स हो गई, ये स्कर्ट है और जो टू पीस ड्रेसेस है उसका है, और ये घर पहनने के लिए जो नाइट ड्रेस है और टॉवल का हमने एक वो सेट कर दिया है। कुछ जो जिप पाउच मैंने बैग्स ले रखे थे उसमें इसकी सारी पार्टी वियर ड्रेसेस मैंने रखी हैं, तो ये इस तरीके से हैं, दो बड़े हैं और कुछ जिप के सिंगल सिंगल वाले जो साड़ी वाले जो कवर हैं उस पे मैंने ये सब रख दिया है, और ये इसका स्कूल ड्रेस है, और बाकी कुछ जो छोटे वाले जो कार्टन ये जो आप देख रहे हैं जो बॉक्स आता है पार्टी वियर ड्रेस का वो उसी के साथ है, उसके अंदर है, तो वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज था, मैं इसको सबको वार्डरोब में वापस डाल के आपको अरेंज करके दिखाती हूँ। ठीक से बैठो, ये पार्टी वियर मैं ऊपर रख रही हूँ। ऑर्गेनाइज हो गया है, यह मैंने ऊपर जो है इसके पूरे पार्टी वियर ड्रेसेस रखी हैं। नेक्स्ट जो है ये इसके फ्रॉक है, बॉटम वियर एंड जीन्स है, तो ये वाला आप खंड देख सकते हैं, ये वाला शेल्फ छोटा है तो हमारा ये एक डब्बा नहीं आ रहा था,
तो इसका जो सामान है जो मैं घर के जो है इसका नाइट ड्रेस उसको मैंने ऐसे ही फोल्ड करके रख दी क्योंकि वो थोड़े ही है, और ये उसके टॉवल्स हैं, और यहाँ पे इसकी स्कूल ड्रेस है, और एक जो जैकेट है वो भी इसमें नहीं आ रहा है तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये इसका विंटर वेयर है, और ये इसके टॉप हो गए, और ये स्कर्ट और जो कुछ जंपसूट वगैरह है वो है। तो इस तरीके से मैंने इसका ये पूरा ऑर्गेनाइज कर लिया। ये जो ड्रॉर है ड्रॉर में भी ऑर्गेनाइज करूंगी, इसमें इसके इनर वेयर रहते हैं उसको मैं थोड़े से बिगड़ गए हैं उसको मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। और इसके नीचे भी एक ड्रॉर है जिसमें हम सॉक्स और हैंकी रखते हैं, इसको भी मैं अभी ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये इसका स्विम सूट है। यहाँ पे इसके स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो गए, यहाँ पे ये मैंने बेल्ट रखे हैं, और ये हैंकी है, और कुछ ये ग्लव्स वगैरह जो है इसके मिसलेनियस आइटम वो सब हो गए। तो इस तरीके से इसका वार्डरोब मैंने पूरी तरीके से जमा लिया है। अभी हम ऊपर तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।